राम राम जी सबको। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। आज है हम सब बहन माँ का दिन। आज सब बच्चे खुशी खुशी अपने माँ के साथ दिन मना रहे हैं। मैं भी मना रही हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ मदर्स डे मना रहे हैं। दिन तो हर कहते हैं माँ का हर दिन होता है, लेकिन यो एक पल ऐसा होता है। एक दिन बच्चे अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम हर चीज जगह पर अपने माँ के साथ वीडियो बना के लगाना पसंद करते हैं। वो माँ उसी खुशी में इतनी खुश हो जाती है, अपने पुराने दुख पीड़ा सब भूल जाती है। मैं भी आपको बताऊंगी अपनी ममता के बारे में। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बच्चे के लिए माँ को दोबारा जन्म लेना जरूर पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी एक घटना बताऊंगी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तो जब भी वो बात सोचती हूँ मेरे तो हमेशा ही उठते हैं। मेरे पास दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी है छोटा बेटा है। मेरे जो हस्बैंड है वो आप इस दुनिया में गए, उसको गए अब 9 साल हो चुके हैं। ये घटना जो बता रही हूँ आपको, इस घटना को कुछ महीने में ही 2 महीने या 3 महीने में पूरे 17 साल हो जाएंगे। ये जो घटना मेरे साथ बीती थी वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोली इसमें, 100% वही जो मेरे ऊपर बीता मैं आपको वो बताऊँगी। एक माँ कहाँ तक क्या क्या कर देती है। जो मेरे हस्बैंड थे वो नशे करते थे, छोटा नशा भी नहीं था उनका, बहुत बड़ा नशा करते थे वो समझती थी। आज मैं अपनी जिंदगी के बारे में बता रही हूँ, इससे मेरे को पता है बहुत से आदमी नाराज भी होंगे और बहुत सो को दिक्कत भी आएगी, लेकिन आने दो, किसी को कुछ दिक्कत आए वो जो मैंने कटे पल वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैं उसके लिए मैं ये नहीं देखूँगी किस आदमी पर क्या होगा, क्योंकि वो मैंने कटे अपने और वो मेरे यहाँ अड़ोस पड़ोस मेरे गाँव के हर आदमी ने वो टाइम देखा है मेरा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं पूरा काम कर चुकी थी, बेटी मैं स्कूल गई हुई थी, 7 साल की मेरी बेटी थी और मेरा बेटा 3-4 महीने का था या 5 महीने का लगा लो आप, तो मैं बेटा था। मैंने पूरा काम करके बेटे को भी नहला दिया, अपना भी काम सही हो गई पूरा करके। फिर मैंने अपने बेटे को लेकर मैं लेट गई। सुबह से उसने एक वही चिक चिक शुरू हो जाती थी हमारे घर में, हर रोज डेली का ही काम था। उसने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जैसे कोई कहते हैं ऐसा भी होता घर में 10 रुपये भी ना, ये सच होता है। कई बार ऐसा होता घर में कुछ नहीं होता। उसने मेरे से 50 रुपये मांगे, ज़्यादा नहीं सिर्फ 50 रुपये के ऊपर ये घटना घटी हमारे घर। मैंने बोला मेरे पास नहीं, उसने बोला मेरे को पैसे चाहिए। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्यों कहाँ से, मैं ये बोल कर मैंने अपने बेटे को साथ में लिटा लिया। गर्मी का ही टाइम था, कूलर वगैरह चला लिया और बेटे को मैं दूध पिलाने लगी। उसको पैसे ना मिले उसको उससे गुस्सा आया, उसने मेरे पास
मेरे सिर के पास एक मेरी चुन्नी रखी थी, उसने वो चुन्नी उठाई मेरी और मेरे गले में फंदा डाल दिया, इतने जोर से ऐसे गले में भीग गया करके उसने मेरे को जमीन पर गिर दिया। मेरा बेटा रोने लगा, लेकिन उसे थोड़ी सी भी शर्म या कुछ नहीं आया। बस मुझे इतना पता उसने वो एक चुन्नी मेरे गले पे इतने जोर से दबाई और एक पैर मेरी छाती पर रख लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या मेरे साथ बीती है क्या नहीं। मैं बस इतनी घटना का मेरे को पता था अगर मेरे साथ ये बीता, उसके बाद मेरे को बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। कुछ घंटे के बाद जो मेरे को मेरी सास ने या उन्होंने बताई, वो ऊपर दरवाजे बंद करके बाहर से ताला लगा गया, ताला लगा कर वो चाबी ताले अपने साथ ले गया और बेटे को नीचे उसकी दादी को दे गया। वो तो रहते थे नीचे भी जिठा के रहते, दोपहर का टाइम था, इस जिठानी को जिठानी सो रही थी, सास को बेटे को दे गया। सास ने पूछी किसकी मम्मी की गई, बोला पता नहीं मेरे को कहाँ गई, मेरे को कुछ नहीं बोल कर गई, कहाँ गई वो कहीं गई मेरे को नहीं पता। ये बात कह कर वो घर से निकल गया। मेरी सास का मन दुखी था कि उसने पता था हर रोज घर में झगड़े होते, हर रोज मार पीटी होते थे पैसों के ऊपर, किसी और को तो बोल नहीं सकता। लास्ट वो बीबी मरने तो उसकी औरत होती वही मरती और कोई नहीं आता भी। मेरी सास परेशान हो गई, बोले नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, वो इस तरह घर से बाहर ही नहीं जाती था, आज किस तरह निकलेगी, और वो भी बच्चे ने छोड़ कर, उसका यकीन नहीं हुआ। उसने ऊपर आई देखा ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके मेरा बेटा रोने से चुप नहीं हो रहा था, तो उसने वो देखा था बच्चा डर गया था देख कर। सास ने जोर जोर तक आवाज लगानी शुरू कर दी, उसका भी मन दुखी था शायद वो अंदर ही है कहीं कुछ कर दिया उसका। उस टाइम पर मानी जाए मेरी सास मेरे ससुर के पास बहुत ज़्यादा गांव के लोग घास खेलने आते थे अड़ोस पड़ोस के दूर तक के। उसने थोड़ी सी वो देखी आकर पूछा क्या बात है, मेरी सास बोली यो चुप बेटा चुप नहीं हो रहा और वो बाहर नहीं जाती, कुछ ना कुछ बात है, मेरा मन घबरा हुआ है, ये ताला तोड़ दो। उन्होंने सबने मिलकर वो ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ा उन्होंने, वे पूरे घर में ढूंढ चुके थे मेरे को, मैं उन्होंने कहीं दिखाई नहीं दी। उसने मेरे साथ ये आशा करता इस प्लग को छोड़ी तो उसके नीचे मेरे को छुपा दिया। सब घर वालों ने देखा क्या हुआ, सब देख कर पूरे घर से निकलने लगे। या तो मेरे को वो पल याद था जो मेरे गले में उसने वो चुन्नी डाली और मैं छत में पैर रखा, सिर्फ मेरे को वो याद था, या फिर मुझको ये याद अचानक ऐसा हुआ। एक तरफ मेरे भगवान खड़े थे सच्ची बात हकीकत, ऐसे जैसे कुछ उजाले की किरण आती इस तरह से, और एक तरफ मेरे दोनों बच्चे इतने जोर से रो रहे थे बिलख रहे थे। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी हनुमान बच्चा तो दूर ले जा, मेरे बच्चे रो रहे
मेरे बच्चे नहीं रुकेगी मेरे बगैर। जो मैं खुद चाहती थी भगवान मैंने उठा ले। मैं मरना चाहती हूँ, रोज की परेशानी से, रोज के झगड़े से मैं इतनी परेशान हो चुकी थी। लेकिन उस दिन मेरे को भगवान लेकर जा रहे थे, उस दिन मेरे से उसके साथ ले गया, नहीं जा पाई मैं। तो बच्चों को रोते देख कर मैं तो नहीं रुका गया। मैंने भगवान का हाथ छोड़ कर अपने बच्चों की तरफ भाग ली। बस मेरे को इतना महसूस हुआ, मेरी इतने जोर से मेरी आवाज निकली, तो जोर से मैंने चिल्ली लगाई। मैं जो आदमी देख कर ढूंढ कर बाहर निकले थे, वे सारे वापसी अंदर आए। कहाँ से आवाज आई अचानक? फिर किसी की नजर गई पिलर के नीचे, ये तो यहाँ पे है। उन्होंने मेरे को उठाया, बाहर निकाला, लेकिन ये समझ किसी को नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि जो मेरे गले में उसने चुन्नी डाली थी वो खोल कर और उसने मेरे आँख, हम जैसे मेरी आँख है, मेरे नाक, कान, मुँह में तो इतना खून आया हुआ था कि मेरा चेहरा पहचानने लायक नहीं था। मेरी जाँ की गर्दन इतनी मोटी हो चुकी थी, लेकिन किसी को ये समझ नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या है, क्या कर लिया इसने, कुछ खुद खाया है या क्या हुआ। और मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, मेरी खुद आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरे को नहीं पता वो उस टाइम मेरी इतने ज़ोर से आवाज़ कैसे निकली। वो भगवान ने मेरी जान बचाने की, मेरे बच्चों की वजह से। मैंने अपने बच्चों का अभी पालना पोसना रह चुका था मेरे बच्चे, इसलिए मेरे को सांस आई, क्या हुआ मेरे को नहीं पता। फिर मैं दोबारा फिर भी खुश हुई, लोगों ने देखा, सब डर गए। तो पास बैठे थे वे सब उठ कर दूर जाकर खड़े हो गए, बल्कि एक पड़ोस की ताई थी, उसने सिर्फ बता रही है पैरों में सिर रखा था कपड़े में, लेकिन उसने जब सब ने वो भी उठा लिया, बता रही है उसको भी उठा लिया, दूर कर दिया कि इसको कुछ हो जाएगा, अगर इसको कुछ हुआ तो उस कहीं आप फंस जाए। मेरे से वो दूर जाकर खड़े हो गए सारी पब्लिक, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, गांव में एक छोटा सा डॉक्टर था उसको मैं नहीं करूँगा, कल को कुछ पुलिस केस वगैरह बना तो मैं फंस जाऊँगा। फिर सबने बोला कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ इसके ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे इसका दर्द वो दर्द तो महसूस ना हो। इसने जो औरत को कम से कम 3-4 घंटे हो गए उसकी सांस बंद हुए, उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है वो औरत, और अचानक अपने बच्चों के लिए भगवान ने उस माँ के आगे हारना पड़ा। उस माँ अपने बच्चे रोते हुए नहीं दिखाई दिए। फिर धीरे धीरे किसी हल्दी दूध मालदी के पिलाया, लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या। ये इतना हिस्सा मेरा बिल्कुल नीला हो चुका था, जो कोई इंसान मेरे को देखे तो डर जाए उसी। और मेरा छोटा सा बेटा, ये देखो मुझे उस हालत में भी देख कर भाग कर मेरे को लिपट गया, दूर पीना शुरू कर दिया। इतने पूरा घर लोगों से, औरतों से भरा हुआ, अचानक बेटी आती है स्कूल तक, वो मस्त होकर चली आ रही कूदती। जब उसने देखा घर में इतने आदमी इकट्ठे क्यों हो रखे हैं, वो डर जाती है, क्योंकि उसे पता है पहले ही हमारे घर में हर रोज़ झगड़ा होता है, हर रोज़
मेरी मम्मी का होता, वो मेरे को ऐसे चिपकी रहती थी हमेशा। जब उसका पापा गुस्सा करता है मारने आता तो वो ऐसे चिपक जाती जैसे बकरी का बच्चा चिपकता है। जोर जोर से आवाज लगाड़ी शुरू करती थी, दादी दादी दादी। वही दिन वह डर गई ये क्या होगा। जब ऊपर आई देखा आदमी इतने बेचारी घबराई, एकदम तो उनके बीच में से निकल कर आई, देखो मम्मी दागो मेरी चिपक गई, एक तरफ मेरा बेटा चिपक रहा है, एक मेरी बेटी, दोनों बच्चे मेरे इतने डरे हुए और दोनों मेरे को इतने जोर से पकड़ लिया। लेकिन बेटे को तो ना समझता छोटा था, लेकिन बेटी बेटी ये पूछा मम्मी आप कब हो के गया। कुछ टाइम बाद जब मेरे को थोड़ी बहुत मेरी कुछ आवाज निकली, तब मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा सदमा हुआ क्या मेरे साथ। उस आदमी ने मेरे कान्ना के बाल निकाले पैसे की वजह से, पैसा तो मिला नहीं उसे, उसने मेरे कानों में भारी भारी बाले थे वो निकाल लिए, ये छोटे ऊपर थे वो निकालने लगा, वो निकली नहीं उससे। और उसने मेरे को पैसे वो निकाल कर, जब उसके पूरे इतना खून आया उसके कपड़े तक भी खून के हो चुके थे, उसने पहले मेरे को मारा, मार कर मेरे गले से वो जो चुन्नी लपेटी हुई थी वो खोल दी, वो भी पूरी खून की सनी हुई थी। उसने पहले वो तो आया है ना, उसने अपने कपड़े निकाले, वो चुन्नी उठाई, उस सबको एक पन्नी में बांध कर कहीं एक अलमारी थी हमारी गोदरेज की उसके पीछे छुपा दिया। नहा कर साफ होकर जब वो आदमी मेरे को छुपा कर, तो वो घर से निकला बाहर ताड़ा लगा, इतने घंटे वो मेरे पास लिया, उसने देखा ये बिल्कुल ख़त्म है, इसका सांस नहीं है, मर चुकी है। जब वो घर से निकल गया ताड़ा लगा कर, अब शाम को घर वाले देखेंगे, जब देख लेंगे ये सोचेंगे इसने अपने आप आत्महत्या कर ली। इसे कहते हैं माँ जो रोज मरती है जीती थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए वही पड़ी रही, वही बच्चों की परवरिश करनी है, किसी का सहारा नहीं, कोई साथ नहीं। वो चीज है जो अपनी खुशी से पहले वाले बच्चे की खुशी देखती है। और आगे की घटना तो आपको वेद बताओ। अभी बाप सकती जो वो अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दू आपको, मेरी लाइफ दुख भरी है। चलो जी फिर मिलते हैं आपका। राम राम जी।